तो नया नोट आ चुका है और यहाँ पर अपने ओपिनियन बताने वालों, यहाँ पर डेप्थ में इसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे और क्या भाई ये प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं, या फिर भाई पोवर्ट बन चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो तीन फोन लॉन्च हुए, रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, और जैसे कि हमने बताया था वैसे से यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। तो Redmi Note 10 Pro Max में आपको क्वेड कैमरा देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल सैमसंग ISOCELL HM2 सेंसर देखने को मिलता है, जो कि थर्ड जनरेशन वाला सैमसंग का सेंसर है, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। इसमें आपको 9-in-1 सुपर पिक्सल देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.1 माइक्रोमीटर का यहाँ पर इसका पिक्सल साइज बन जाएगा, और सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो है, और जिसमें आपको 2x जो है वो ज़्यादा आप क्लोज जा सकते हो Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में, और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, कितना वाइड है ये अभी यहाँ पर Xiaomi ने क्लियर नहीं करा है, और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि व्लॉग मोड देखने को मिलेगा, नाइट मोड 2.0 देखने को मिलेगा, मैजिक क्लोन मोड देखने को मिलेगा, लॉन्ग एक्सपोजर मोड देखने को मिलेगा, फोटो में प्रो मोड देखने को मिलेगा, साथ में वीडियो में भी प्रो मोड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर वीडियो में आपको डुअल वीडियो मोड भी देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रंट और बैक कैमरे को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और वो आपका पॉपअप में साइड में खुल जाएगा, और इसमें सेंसर में स्विच हो जाएगा या फिर नहीं, ये जब फ़ोन हमारे हाथ में आएगा तभी मैं बता सकता हूँ कि आप उसको अल्ट्रा वाइड में वीडियो के टाइम पर ही स्विच कर सकते हो या फिर नहीं, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर ही मेन जो कैमरा हमारा, मेन जो स्क्रीन चल रही है उसको फ्रंट से बैक में चेंज कर सकते हो या फिर नहीं, जैसे सैमसंग के बजट फ़ोन में भी हो जाता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी बहुत जल्द मैं इसका कैमरा रिव्यू लेके आऊँगा डेप्थ में, तो उसका वेट करना, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और यहाँ पर इसमें आपको पंच होल कैमरा जो देखने को मिलता है वो 2.96 mm डायमीटर का है, काफ़ी छोटा सा पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, और सबसे छोटा पंच होल कैमरा यही आपको देखने को मिलता है, और ये काफ़ी बढ़िया बात है। और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी हम टेस्टिंग के बाद आपको कैमरा रिव्यू में बताऊंगा। और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करूँ, जो कि सबसे बड़ा अपग्रेड है, इसमें आपको देखने को मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले, लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस बार देखने को मिलते हैं, 1200 निट्स की इसमें आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, HDR10 के साथ आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको टच सैम्पलिंग रेट इसमें देखने को मिलता है। तो Redmi Note 9 Pro Max का सच में सक्सेसर मैं, इसमें सबसे जो मेजर अपग्रेड करा गया है वो सिर्फ डिस्प्ले ही है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतना मेजर अपग्रेड करा गया है। जो अपग्रेड है वो भाई सबसे तगड़ा जो है मुझे इसके डिस्प्ले में लगा है, और वो भाई आप भी बिलीव करोगे कि हाँ भाई डिस्प्ले इस बार सच में काफ़ी धमाकेदार दी है, और इसमें हम कोई कमी नहीं निकाल सकते कि भाई हमें इसमें डिस्प्ले में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, कुछ आप बोल ही नहीं सकते भाई, एकदम चुप्पी बंद कर दी सबकी। और आगे बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता, वेट इस बार काफ़ी कम है, 192 ग्राम का आपको सिर्फ देखने को मिलता है, थिकनेस भी काफ़ी कम है, 8.1 mm की इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी इसके Redmi Note 9 Pro Max के कंपैरिजन में, ये काफ़ी हल्का भी है और काफ़ी थिन भी आपको देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर देखने को मिलेंगे, स्टीरियो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, और इस बार भी आपको जेड एक्सिस हैप्टिक मोटर देखने को मिलेगी, और इसमें 3D कर्व्ड बैक ग्लास देखने को मिलेगा, IR ब्लास्टर 3.5 mm जैक और टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि ये पोर्ट्स वगैरह काफ़ी सही है, IR ब्लास्टर भी है और ऑडियो जैक भी नहीं हटाया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में होता तो थोड़ा बेटर रहता, लेकिन कोई नहीं भाई, इतने बजट में आपको ये मिल रहा है वही काफ़ी बड़ी बात है। और इसमें बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ, वो है इसका प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलता है, जो कि पोको X3 में इंडिया में देखने को मिलता है, और प्रोसेसर यार मतलब सिमिलर सा ही है, 720G जैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अपग्रेड बोल सकते हो, लेकिन इतना बड़ा कुछ मेजर अपग्रेड नहीं है। और इसके एंटीडू स्कोर की बात करूँ तो 300,000 के करीबन इसका एंटीडू स्कोर जाता है, जो कि थोड़ा बहुत 10-20,000 720G से एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको LPDDR4X की रैम देखने को मिलेगी और UFS 2.2 इसमें स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, 2+1 microSD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, 2 सिम और 1 microSD कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हो, Android 11 के साथ MIUI 12 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें आपको बहुत जल्द MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो यार काफ़ी सही लग रहा है फ़ोन, और बैटरी वगैरह के बारे में बात करूँ तो 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, 33W की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। तो भाई इसका मतलब इसके पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, देखो इसकी प्राइस जो निकल कर आई है वो है इसकी 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए 18,999,
और 6 128 GB स्टोरेज के लिए 19,999 और 8 GB 128 के लिए 21,999। और ये जो पहली सेल में जाने वाला है वो Amazon.in और यहाँ पर me.com पर जाएगा 18 मार्च को। अब साथ में Redmi Note 10 Pro के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में इनका कंपैरिजन देखेंगे कौन सा बेटर रहेगा बाय करने के लिए। Redmi Note 10 Pro जो है वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल डिट्टो दिखने में, पूरा बॉडी वगैरह सब कुछ सेम है। बस ये ध्यान रखना सेम वही फ़ोन है, बस उसमें 108 मेगापिक्सल सेंसर को हटाकर इन्होंने 64 मेगापिक्सल का सेंसर लगा दिया। सिर्फ एक कैमरे का फ़र्क है, वो है 108 और 64 मेगापिक्सल, और ये इस डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल 100% वैसे ही दिखने में, स्पेसिफिकेशन अंदर वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है। और इसकी प्राइस क्या है Redmi Note 10 Pro की, वो है 16,999 रुपीस 128 GB स्टोरेज के लिए, 6 128 GB के लिए। लेकिन 664 आपको 15,999 का देखने को मिलता है, और 8 GB 128 जो है वो 18,999 को देखने को मिलता है। और ये 17 मार्च को यहाँ पर सेल पर जाने वाला है Amazon.in पर। तो यहाँ पर प्राइस में देखेंगे ना, प्राइस Redmi Note 9 Pro की काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मैक्स जो है उसमें सिर्फ डिफरेंस जो है वो कैमरे का है, और उस डिफरेंस के लिए आपको 3,000 देने पड़ रहा है। मतलब 64 से अगर आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए तो 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो क्या आपको 3,000 एक्स्ट्रा देकर 108 मेगापिक्सल लेना चाहिए? मैं बिल्कुल मना करूंगा भाई, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसा धरती आसमान का फ़र्क नहीं दिखेगा, बस आपका रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आप ज़्यादा जूम कर पाओगे, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी 64 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा सेंसर यूज़ करा जा रहा है प्रो मॉडल में, तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगी। नाइट हो या फिर डे हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सिर्फ आपको नंबर बढ़ाना है कि हाँ भाई मेरे फ़ोन में 108 मेगापिक्सल है, तो आप 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तीनों ही वेरिएंट देखेंगे तो तीनों वेरिएंट में ही आपको 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं 108 मेगापिक्सल कैमरे के लिए। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि भाई Redmi Note 10 Pro लो, मैक्स के चक्कर में मत पड़ो, पैसा बचाओ, 3,000 बचेंगे। और साथ में आपको एक बात बता दूँ, 1500 रुपये का आपको ICICI के क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अगर आप इसका कार्ड का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली आप इस कार्ड का भी यूज़ कर लेना, आपको 1500 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 14,500 का आपका Redmi Note 9 Pro पड़ जाएगा, बेस वेरिएंट 6 GB 64 GB के लिए। तो आप कौन से फ़ोन का रिव्यू चाहते हो, प्रो का चाहते हो या फिर मैक्स का चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी खरीदने वाला हूँ और रिव्यू लाऊंगा, इसकी पूरी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बता देना। और बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ वो है Redmi Note 10। Redmi Note 10 जो है उसमें भी आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.43 इंचेस की, जो कि आपकी 120 हर्ट्ज़ की नहीं है, 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। और इसकी भी पीक ब्राइटनेस जो है वो 1100 निट्स की है, और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जेड एक्सिस हैप्टिक देखने को मिलेगा, डुअल स्पीकर, स्नैपड्रैगन 678 जो 11 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, उसमें जो यूज़ हो रहा है 732G वो 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर था। इसका N22 जो है वो 2,18,000 के करीबन आता है। LPDDR4X की रैम, UFS 2.2 और 2+1 microSD कार्ड, MIUI 12 प्लस Android 11 देखने को मिलता है। और कैमरे की बात करूँ तो इसमें भी आपको क्वैड कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी IMX582 है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। और इसकी बैटरी जो मिलती है वो 5000 mAh की देखने को मिलती है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो ये भाई काफ़ी कमाल की चीज़ निकल कर आई है, मतलब यार बेस इसमें नोट 10 में भी आपको 33 वाट फास्ट चार्जिंग, जो कि यार सच में नोट 9 के कंपैरिजन में मेजर अपग्रेड जो है वो इसमें डिस्प्ले का है और इसकी चार्जिंग का है, इसके अलावा इतना कुछ मेजर अपग्रेड मुझे नहीं लगा है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपको लगा है, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro Max या फिर Redmi Note 10 Pro। तो जाओ कमेंट करो, और ये जो सेल पर जाने वाला है ये 16 मार्च को सेल पर जाएगा Amazon.in पर, और इस पर भी आपको ICICI का कार्ड का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान से, ये क्रेडिट कार्ड के लिए डिस्काउंट है, डेबिट कार्ड के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा है Redmi Note 10 Pro, इसमें आपको
कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको Redmi Note 10 के साथ ही जाना, Redmi Note 10 Pro के साथ जाना चाहिए, और बजट कम है तो Redmi Note 10 के साथ आप जा सकते हो। और मेरे यार ख्याल से ये होना चाहिए था, इन्होंने जो Max वाला वेरिएंट निकाला जिसमें 3000 एक्स्ट्रा देकर 108 मेगापिक्सल मिल रहा है, उसके बजाय ये क्या करते हैं उसमें प्रोसेसर चेंज करके Redmi Note 9 Pro में ही प्रोसेसर चेंज करके 5G प्रोसेसर यूज़ कर लेते हैं, MediaTek Dimensity 800U जो कि काफ़ी सस्ता प्रोसेसर है और इसमें फिट होकर ये इसी प्राइस में जो Max वेरिएंट निकल कर आया है 18999 का बेस वेरिएंट, उसी प्राइस में आपको 5G फ़ोन मिल जाता जो कि लोग अगर 2-3 साल फ़ोन यूज़ करते हैं और 5G इसी साल आने वाला है तो उनको फ़ोन अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 108 मेगापिक्सल की जगह वो आ जाता सिस्टम, तो यार काफ़ी बेटर रहता है उनको। तो आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बता देना, फिलहाल आप कौन सा फ़ोन लेने वाले हो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली Redmi Note 10 सीरीज से रिलेटेड।